ये सुधार जो है किसी वर्ग को किसी धर्म को ताक पर रखकर इस देश में अगर किए जाते हैं तो वो बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। जो संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि आचार संहिता की वजह से हम कोई विकास नहीं कर पाते, ऊपर से आर्थिक बोझ देश के ऊपर बढ़ रहा है। ईडी सीबीआई को उन पर छापे पड़ते हैं और जैसे ही भाजपा में जाते हैं तो ईडी सीबीआई के छापे पड़ना बंद हो जाते हैं और वो पाक साफ हो जाती है। तानाशाही की रवैया से किसानों को कुचला जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो एक नशेड़ी की तरह चलती है। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले कांग्रेस का न्याय पत्र आया और अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जनता के बीच में जारी किया है। ग्वालियर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जनता के बीच दिया है आखिर कितना कायम रहेगा वो आगे आने वाले चुनाव में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सामाजिक कमल है, मैं ग्वालियर से ही हूँ। अच्छा सर ये बताइए, जो मेट्रो ट्रेन चलाने की बात कही है, बुलेट ट्रेन चलाने की देश में बात कही है संकल्प पत्र में, तो कहाँ तक देखते हैं इस पूरे वादे को आप? देखिए मेट्रो ट्रेन पहले भारत में कलकत्ता से शुरू हुई, उसका दिल्ली में आई, अब जो इस सरकार ने जो काम किया उसमें छोटे शहर आगरा, कानपुर, नागपुर, इंदौर, अपने मध्य प्रदेश में भोपाल, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और बहुत, हालांकि छोटे छोटे शहरों में मेट्रो ट्रेन के ऊपर वो काम कर रहे हैं और वो लगातार काम जारी है और यहाँ पे चालू भी हो गई मेट्रो ट्रेन। आपने बुलेट ट्रेन की बात की तो बुलेट ट्रेन के ऊपर वो वर्कआउट कर रहे हैं। अभी बुलेट ट्रेन के पहले उन्होंने वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन का वो किया और जो वंदे भारत पूरे देश में दौड़ रही है, पहले शताब्दी सबसे तेज स्पीड की ट्रेन होती थी, लेकिन इस सरकार में बनने के बाद और ये इस वाले टेन्योर में उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को चालू किया और रेलवे कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है, लोगों की सुविधाएँ बढ़ी हैं, रिजर्वेशन अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, मतलब उतना परेशान नहीं होना पड़ रहा। हालाँकि उसमें किराए के ऊपर जरूर थोड़ा बहुत जो वरिष्ठ नागरिकों की छूट थी वो उन्होंने बंद कर दी, पत्रकारों की छूट बंद कर दी, लेकिन फिर भी सुविधाओं में तो इजाफा हुआ ही है। क्या लगता है आने वाले जो समय है उसमें छोटे शहरों में भी मेट्रो देखने को मिलेगी? बिल्कुल, आपको छोटे शहरों में देखने को मिलेगी। अभी 100 किलोमीटर दूर अपना आगरा है, आगरा में मेट्रो चालू हो गई है, हालांकि वो छोटी 3 बोगी की मेट्रो चालू हुई है, लेकिन जल्दी आपको इंदौर भोपाल में भी, अपने मध्य प्रदेश में भी मेट्रो ट्रेन देखने को मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बात की है, तो किस तरीके से देखते हैं यूसीजी अगर लागू होता है देश में? तो देखिए जो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि निरंतर जो है बदलाव होना चाहिए और सुधार की प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए, लेकिन ये सुधार जो है किसी वर्ग को किसी धर्म को ताक पर रखकर इस देश में अगर किए जाते हैं तो वो बिल्कुल ही बेकार चीज़ है और इस देश में तमाम उन आवाज़ों को दबाने का काम इस देश की सरकार कर रही है, करना चाहती है, जो इस देश का संविधान और इस देश का कानून डिफाइन करता है। और हम समझते हैं कि इस देश के अंदर तमाम सारे कल्चर, तमाम सारी संस्कृतियाँ इस देश के अंदर एक साथ रहती हैं, दलित संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है, पिछड़ी संस्कृति है, मुसलमानों का अलग कल्चर है, ईसाइयों का अलग कल्चर है, तो आप उन्हें एक सूत्र में कैसे बांध सकते हैं? अभी देश के सामने, अभी तक देश के संदर्भ में लोगों, देश के लोगों के सामने पूरा राष्ट्रव्यापी जो ड्राफ्ट आना चाहिए था यूसीसी का, वो अभी नहीं आया। इसका मतलब सरकार जो है सिर्फ एक हवा बनाने का काम कर रही है और वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है इस देश के अंदर, और यूसीसी के नाम पर इस देश में सरकार वोट लेने का काम कर रही है, ना कि अधिकार देने का इस पूरे मसले में काम कर रही है। देश में एक चुनाव की बात हो रही है, अभी तक तमाम चुनाव होते हैं देश में, विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा होता है और भी चुनाव होते हैं, तो एक देश एक चुनाव की बात बीजेपी अब संकल्प पत्र में कर रही है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? एक देश एक चुनाव बहुत अच्छी प्रक्रिया है जो लेके आए हैं। इससे क्या, जो हमारे देश पे चुनाव हर स्टेट में या कहीं कोई चुनाव पड़ते तो उससे आर्थिक बोझ कम पड़ेगा अभी, और सबसे बड़ी इसमें यह है कि जो हमारे देश का विकास नहीं हो पाता, क्यों आए दिन किसी प्रदेश में, कहीं किसी प्रदेश में आचार संहिता लगी रहती है, और इसके अलावा हमारे जो संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि आचार संहिता की वजह से हम कोई विकास नहीं कर पाते, ऊपर से आर्थिक बोझ देश के ऊपर बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा और सरल प्रक्रिया हो जाएगी। इसमें संकल्प पत्र में बहनों को लखपति बनाने की बात भी की गई है, मध्य प्रदेश चुनाव में 3,000 रुपये देने की एमपी सरकार ने कहा था, लेकिन अब चूंकि संकल्प पत्र आया है इसमें लखपति बनाने की बात कही है, तो कितना लखपति बनेंगी बहनें इस बार? देखिए जो संकल्प पत्र में जो बताया गया है वो वैसा ही होगा, बीजेपी में आपने देखा होगा आज जो बीजेपी ने कहा वो पूरा किया, लाडली बहना योजना में आपने देखा कि 1,000 रुपये अकाउंट में डालेंगे, आज हर एक महिला के अकाउंट में 1,000 रुपये आ रहे हैं। आपने कांग्रेस के शासन में देखा होगा, कांग्रेस के शासन में क्या होता था, आपने विधानसभा में देखा होगा कमलनाथ जी भरे मंच पे आइटम कहते हैं,
आइटम क्या क्या बुलाते हैं इमरती देवी जी को, अरे आइटम ये क्या, ये क्या है ये, आज बीजेपी देखो आप, बीजेपी में महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं का कितना ध्यान रखा जा रहा है, लाडली बहना योजना देखिए आज महिलाएं कितनी खुश हैं, महिलाओं ने आज पूरी हवा बदल दी, विधानसभा चुनाव में पूरी जो जो कांग्रेस की लहर थी आज वो पूरी पलट दी, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं का पूरा रुझान और पूरी जनता का रुझान बीजेपी की तरफ है, और बीजेपी से पूरी महिलाएं और पूरी देश की जनता काफ़ी खुश है, और मोदी जी से सब लोग खुश हैं, और 400 पार सीटें होंगी मोदी जी की। देश में सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी लिया गया है संकल्प पत्र में कि भ्रष्टाचार मुक्त देश किया जाएगा, तो कितना भ्रष्टाचार मुक्त देश को देखते हैं आप? भ्रष्टाचार मुक्त देश हो रहा है ना, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में जा रहे हैं और वॉशिंग पाउडर में धुल के पाक साफ हो रहे हैं, ईडी सीबीआई को उनका छापे पड़ते हैं, और जैसे ही भाजपा में जाते हैं तो ईडी सीबीआई के छापे पड़ना बंद हो जाते हैं और वो पाक साफ हो जाती है, तो भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है भाजपा में जाके लोगों का, अब किसी पर भ्रष्टाचार लगेगा वो भाजपा में शामिल हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। और नरेंद्र सिंह तोमर जी का तो आया ही था अभी आपने देखा ही, और बाकी के सारे जो कलकत्ता का शुभेंदु अधिकारी ले लो, रेड्डी बंधु ले लो, और कितने सारे आपको उदाहरण गिनाए, हेमंत विश्वकर्मा पर इनने आरोप लगाए, रेड्डी बंधु पर इनने आरोप लगाए, और उसके बाद कर्नाटक के जो सीएम थे उन पर इन्होंने आरोप लगाए, अजीत पवार पर आरोप लगाए, और चिटफंड जो घोटाला था उस पर आरोप लगाए, सारे भाजपा में आ गए, इन्होंने अशोक चौहान पर भी आरोप लगाए, वो अभी ज्वाइन कर ली भाजपा कांग्रेस के, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी सब ने 2014 में इन्होंने कहा काला धन वापस लाएंगे, नौबत जहाँ तक आ गई कि आज हम इलेक्ट्रल बॉन्ड का ब्यौरा तक नहीं दे पा रहे, पीएम केयर फंड में इन्होंने अलग से फंड बना दिया, हालांकि इस देश में जब भी कोई आपात या विपत्ति स्थिति रहती है तो देश का एक अपना आपात फंड रहता है और उसके लिए प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, पर इन्होंने पीएम केयर फंड बनाया अलग से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसमें बना के इन्होंने हजारों करोड़ रुपए उसमें आए और उसका आज तक भी ब्यौरा नहीं दिया, तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितना मुक्त हो रहा है देश, तो जनता समझदार है और देख रही है इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या स्थिति है, आपने देखा उसकी एक जवाब नहीं, जो कंपनियों की स्थिति नहीं है वो उस टाइप से। महिला गरीब और किसानों की बात कर रही है, युवाओं की बात कर रही है संकल्प पत्र में बीजेपी, तो कैसे देखते हैं, कैसे उद्धार होगा आने वाले समय में इन सभी का? बीजेपी महिलाओं को किसानों को जो करती है ना, उसको एक अपनी तानाशाही की रवैया से किसानों को कुचला जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो एक नशेड़ी की तरह चलती है, जिसने है उसकी बात को नहीं मानते उसको कुचलने का काम हिंदुस्तान में जो जवान और जो किसान से देश चलता है, उस किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने कुचल करके 1000 किसान शहीद हो गए अपनी मातृभूमि बचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाही रवैया अपनाती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो संकल्प पत्र नहीं है, जो घोषणा पत्र है, मतलब एक तानाशाही पत्र है। पहले जो केंद्र सरकार है वो कहती थी कि हमारी अब की हमारी गारंटी है, पिछले शासनकाल में देख लो, खुद गृह मंत्री के बयान हैं, उनने कहा था जो आपके माध्यम से या किसी के माध्यम चैनल से पूछा गया, तो गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि अब पिछला तो हमारा जुमला था, अब हमारी गारंटी है। गारंटी नहीं है प्रधानमंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी अगर किसानों की अटैची थे तो किसानों के लिए, एक देश के किसान नौजवान है ना, उनके लिए कील हैं और जो पानी की जो बौछारें हैं उड़ाई जाती हैं, जो जो दुश्मन के लिए हुआ करती है, वो हिंदुस्तान का जो नागरिक जो किसान होता है उसके लिए है ना, रोड पर किसान अपनी दिल्ली की मातृभूमि के लिए है ना, एक अपनी आवाज़ को उठाने के लिए जाता है, उस किसानों पर ना एक लाठियाँ और एक कीलें गाड़ी जाती हैं। इस किसान ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का 2024 में उखाड़े के फेंक देने का संकल्प ले लिया है, और जाति जनगणना की पूरी सबरी देश के अंदर जाति जनगणना की बात कर रही है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना पर नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? क्यों उनने मालूम है किसान जो गरीब पिछड़े दलित ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनको हक को अधिकार मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जाति जनगणना होए। बीजेपी के संकल्प पत्र में दो चीज़ें और दी गई हैं, दिव्यांगों को आवास देने की बात कही गई है, वहीं
राशन के साथ में जो पाइपलाइन के थ्रू जो गैस देंगे, सस्ती गैस देंगे गरीबों को, तो उस पर भी बात की गई है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? दिव्यांगों के लिए जो ये बात कह रहे हैं, इससे पहले उन्होंने 2022 में सभी लोगों के लिए मकान देने की बात की थी, और क्या सभी लोगों को मकान मिल पाए? हकीकत बात यह है कि किसी मकान जो मिलने वाली बात थी वो बिल्कुल झूठी साबित हुई, वो भी एक जुमला साबित हुआ। अब ये गारंटियों की बात कर रहे हैं, पाइपलाइन के थ्रू गैस देने की बात कर रहे हैं। जो सिलेंडर में गैस 400 रुपये 350 रुपये में मिलती थी, उसकी जगह 1200 रुपये का सिलेंडर कर दिया गया, और अब बोल रहे हैं कि पाइपलाइन से देंगे। सब कुछ बातें केवल घुमा करके बातें बताना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, मूर्ख बनाना। और पिछले 10 सालों में जितनी महंगाई इन्होंने बढ़ाई है वो हम सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि चाहे वो किसी भी चीज़ में देख लो आप, चाहे आप अपना जो है गैस सिलेंडर में देख लो, चाहे पेट्रोल में देख लो, चाहे डीजल में देख लो, चाहे शिक्षा के माध्यम से देख लो। और दूसरी चीज़ ये हुई है कि जो लोगों को रोज़गार मिला था, उन रोज़गार में आज स्थिति ये है कि नौकरियां जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें पहले से कम हुई हैं। किसी की 30% कम हुई है, किसी की 40% कम हुई है, किसी की 50% कम हुई है। तो आज जो स्थिति है वो लोगों के रोज़गार में तो पैसे की कमी हुई है, वहीं महंगाई बढ़ी है और कई गुना बढ़ी है। मैनिफेस्टो में इनकी जो बात कही गई है वो कहीं से भी सही साबित होने वाली नहीं है। ये पहले जुमला था, अब ये गारंटी बोलना इनको पड़ रहा है, मजबूरी है इनकी, क्योंकि अब बोल नहीं सकते कि हम वादा कर रहे हैं, तो अब गारंटी की बात कर रहे हैं, ये भी जुमला साबित होगा 100%। बीजेपी के घोषणा पत्र में सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि इस बार गारंटी दी जा रही है संकल्प पत्र के जरिए, तो गारंटी दी जा रही है जनता को इस बार, तो क्या सारे वादे पूरे करेगी इस बार बीजेपी? ऐसा कुछ पता नहीं कि सारे वादे पूरे करेगी बीजेपी है, क्योंकि जब पहले जब वादे किए थे वो सारे जुमले निकले, तो अब क्या गारंटी है कि अब ये पूरे वादे किए जाएंगे, चाहे नारी शक्ति का हो चाहे कोई भी हो। ने नारी शक्ति के लिए करा 1250 रुपये देने लगे, तो 1250 देने के फ़ायदे क्या होंगे आप बताइए मुझे? क्या उससे गरीब जनता को पैसे, महिलाओं को पैसे मिले जरूर हैं, पर ना वोट हाँ जब महिलाओं को जाएगा उस खेमे में तो वो सरकार बन जाएगी, है ना, और वो सरकार बन जाएगी तो उसका कोई फ़ायदा तो मिलेगा नहीं आम जनता को। बस वोट ये दिसंबर तक ही है जो पैसा मिल रहा है महिला का, उसके बाद कुछ कुछ को नहीं मिलेगा, और सारे संकल्प झूठे हैं, कुछ नहीं होना उस संकल्प का। तो ये ग्वालियर की जनता थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर अपनी अलग अलग राय रखी, और आपने सुना किस तरह से संकल्प पत्र को ग्वालियर की जनता देख रही है। हालांकि अभी परिणाम दूर है, तब जाकर मालूम पड़ेगा कि जनता पर इन संकल्प पत्र का कितना असर होता है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।